नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा, खास खबर में बात करेंगे हम अजमेर की। जी हां, राजस्थान के अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के नापाखेड़ा गांव में शनिवार को मधुमक्खियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नापाखेड़ा गांव में एक खेत में कुछ श्रमिक सरसों की फसल की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान पास के खेत में कुछ बच्चों ने गेहूं की दागियों की शिकाई शुरू कर दी, तभी मधुमक्खियों ने श्रमिकों पर हमला कर। वहीं मौके पर मौजूद श्रमिक और भूतपूर्व सैनिक राम प्रसाद मीणा अपने भतीजे को बचाने के लिए इस दौरान दौड़ पड़ा। राम प्रसाद मीणा ने अपने भतीजे को बचाने के लिए उसे अपने नीचे ढक लिया और उसके ऊपर ही लेट गया। वहीं अन्य श्रमिक मौके से मधुमक्खियों से बचकर भाग निकले, लेकिन मौके पर मौजूद राम प्रसाद मीणा पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब अन्य श्रमिक मौके पर पहुंचे तो राम प्रसाद को गंभीर अवस्था में देवली चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में मृतक के जहां अपने भतीजे को बचा लिया, वहीं उसकी मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले में तीन अन्य श्रमिक भी घायल हो गए हैं। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।